कॉमेडियन सिद्धार्थ मल्होत्रा के लापता होने की खबर मीडिया में आई तो लोग हैरान रह गए, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी ही मां पर गंभीर आरोप लगाते हुए सभी को शॉक कर दिया। आखिर सिद्धार्थ के इन गंभीर आरोपों का सच क्या है? क्या उन्हीं की मां उन्हें ड्रग्स देती थी और मारा पीटा करती थी? इन सभी सवालों के जवाब हाल में ही सिद्धार्थ के माता पिता ने एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में बताया। सिद्धार्थ के लगाए गए आरोपों पर उनकी मां ने उनके संगी साथियों पर इसका ब्लेम लगाया और बताया कि अब उन्हें सिद्धार्थ से ही डर लगने लगा है। सिद्धार्थ की मां ने कहा, जरूर ऐसा उसके मन पर असर हुआ है, जिन आदतों में रहा है कुछ उनमें कुछ उसकी कंपनी में बिगड़ा, कुछ एडवाइजर्स देने वाले रहे होंगे जिसकी वजह से वो बिगड़ गया है। यही नहीं, सिद्धार्थ की मां ने कहा कि उनके साथ रहने में भी अब मुझे डर लगने लगा है, जिस तरह से उसका बिहेवियर बदला है, जैसे चीजों की तोड़फोड़, टीवी तोड़ना, एसी तोड़ना, रात को गाड़ी से उतरते वक्त गुस्सा करना, कुछ ऐसी चीजें हुई तो हमें लगा कि कुछ बदल गया है। वहीं उनके पापा का कहना है कि रात को पैकअप करने के बाद भी वो सुबह घर आते थे, जब हम पूछते थे तो उन्हें लगता कि हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं तो पैसे कमा रहा हूँ। वो ड्रग्स लेते, सिगरेट पीते और हुक्का भी पीते थे। उनकी इन आदतों से हम तंग आ गए थे तो उसने हमसे अलग रहना शुरू कर दिया। तभी मुझे लगा कि वो किसी सस्टेन अब्यूज में पड़ गया है। फिर हमें लगा कि उसने काम पर भी जाना बंद कर दिया है। आपको बता दें, पिछले 4 महीने से लापता कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर आखिरकार मीडिया के सामने पेश हुए और उन्होंने अपनी बात रखी, जो बहुत ही चौंकाने वाला था। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक सिद्धार्थ ने अपनी आप बीती बताते हुए अपने जीवन का काला सच सभी के सामने पेश किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपना एक वीडियो शेयर कर सभी को बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। अपने लापता होने का जिम्मेदार उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया। अब सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उनका कहना था कि उनकी मम्मी उन्हें ड्रग्स देती थी और मुझे जबरदस्ती पागल खाने में भी डाल दिया था। सिद्धार्थ ने आरोप लगाते हुए बताया कि इसकी शुरुआत तब हुई जब उनकी मां की लाइफ में सुयश गाड़ीवाल नाम की व्यक्ति की एंट्री हुई। आपको बता दें, सिद्धार्थ के माता पिता 20 साल से अलग रह रहे हैं। सिद्धार्थ अपनी मां से काफी करीब थे, लेकिन इसके बाद वो काफी बड़े डिप्रेशन में चले गए। वह एक बुरे दौर से गुजरने लगे थे। उन्होंने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था और फिर उन्होंने मेडिसिन खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बाइपोलर बीमारी है। उस वक्त वो दुखी रहने लगे और खुद भी चौंक गए थे। उन्होंने कहा कि वह इस बीमारी के बारे में जानते थे, लेकिन उनमें खुद में ऐसे कोई लक्षण नहीं नजर आए। इसके बाद उनके पेरेंट्स ने ही उनके खाने में ड्रग्स मिलाकर देना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने ये भी कहा कि उन्होंने कभी अपनी कमाई का हिसाब किताब खुद नहीं संभाला है। बाद में उन्हें महसूस हुआ कि उनकी माँ उन्हें परेशान कर रही हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। सिद्धार्थ ने कहा कि अब उनकी कोशिश है कि वो नए तरीके से अपने काम की शुरुआत फिर से करे और अपने परिवार से दूरी ही बनाकर रखे। वेल, अब इस मामले में कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, ये बता पाना तो काफी मुश्किल हो रहा है। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और हिंदी रश को सब्सक्राइब कीजिए।